देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कतर में 8 भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने से काफी चिंतित थे। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सकारात्मक प्रयास से उन सैनिकों की सकुशल रिहाई सम्मान पूर्वक संभव हो सके, इसके लिए हम सभी भारतवासियों को बहुत गर्व की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री आपके द्वारा जिस प्रकार से विदेश में भारतीय जब भी किसी मुसीबत में फंसे हैं, आपने उनको मुसीबत से निकालने के लिए जो अथक प्रयास किए हैं, उसके लिए हम सभी भारतवासी आपको कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही भारतवंशियों के लिए अभिभावक के रूप में उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए प्रणाम वंदे मातरम समिति आपका वंदन अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए ये धन्यवाद पत्र आपके वाराणसी कार्यालय से हम काशीवासी आपको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। प्रणाम वंदे मातरम समिति के अनूप जायसवाल ने कहा कि आज हम लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर आभार पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश यादव बाबू, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका, सोमनाथ विश्वकर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल, आज हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय कार्यालय वाराणसी कार्यालय पर आकर के धन्यवाद पत्र हम सब ने दिया है, जो कल हमें समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला कि किस तरह से अथक भारत सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर में रिहा किया गया, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। 109 दिन बाद उनकी रिहाई होती है और ये भारत सरकार के प्रयासों का परिणाम है, भारत सरकार की एक तरह से सशक्त मजबूती का परिणाम है कि चाहे अभिनंदन पकड़ा जाता है 48 घंटे में वापस आता है, 8 कतर में भारतीय नौसैनिक पकड़े जाते हैं उनको भी भारत सरकार छुड़ा करके वापस लाती है। ये हम मजबूत भारत की जो कल्पना करते थे वो आज धरातल पर देख रहे हैं। कोई भी दुनिया का देश हो, चाहे टर्की में भूकंप आता है, नेपाल में भूकंप आता है, अफगानिस्तान में अगर भारतीयों पर संकट आता है तो वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब सिर पर लेकर के भारत में वापस सुरक्षित आ जाते हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करते हैं। तो जो रूस यूक्रेन का युद्ध होता है उसमें भी अगर एक तिरंगा लेकर के भारतीय निकलता है तो उसको दोनों देश रास्ता देने का काम करते हैं। ये आज भारतवर्ष की 140 करोड़ देशवासियों का हमारे सम्मान इस तिरंगे में निहित होता दिखाई दे रहा है, इसके लिए आज हम बधाई पत्र दे करके माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कितना उपलब्धि मानते हैं इसको, ये तरह का माहौल है भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब कभी पहले कोई इस तरह की घटना यदा कदा होती थी तो भारत अमेरिका की तरफ देखता था कि अमेरिका पहल करे तो शायद हमारा नागरिक वहां से बच करके निकल आए, लेकिन आज दूसरे देशों में भी कोरोना काल में हमने देखा कि दूसरे देश की नागरिक भी कहीं फंसे हुए थे तो उनको भी भारत सरकार ने सुरक्षित ला करके उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। अभी आपने देखा टर्की में भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद किया गया, नेपाल में भूकंप आता 3 घंटे के अंदर सहायता के विमान वहाँ रवाना हो जाते हैं। यही कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड में आपदा आती है तो देखा जाता है कि 3 दिन तक राहत सामग्री रखी रहती है कि झंडी दिखाएंगी सोनिया गांधी तो यह राहत सामग्री रवाना होगी। तो ये परिवर्तन जो हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम भारतवासियों के लिए।